तो 50 ही से बैठे हमारे सामने 60 दुकानें 62 दुकानें हैं, जाके देख लो सब बंद पड़ी हैं। हाँ जी हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? क्या चल रहा है आजकल? देखो यार, लॉकडाउन चल रहा है, कुछ है नहीं करने को, बाल भी ऐसे बड़े हो रखे हैं, दाढ़ी भी ऐसी हो रखी है, कहाँ जाएं यार, घर पे बैठे बैठे बोर ही हो रहे हैं। बट आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश आ रही है 2 दिनों की, आज और कल की प्रेडिक्शन दिखाई है। अभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया मुझे, कुछ है तो नहीं करने को, मेरे दोस्त को कुछ काम है, कहीं हॉस्पिटल में जाना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊं दिल्ली का क्या एनवायरनमेंट है बाहर का और कैसा वेदर है आज, क्योंकि आज प्रोटेक्शन बहुत अच्छी हुई है बारिश की। वैसे कि बाहर नहीं जाना चाहिए, बट हाँ मेरे दोस्त को काम है तो इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। देखते हैं कहाँ जाएंगे। अभी मैं फ़िलहाल तो ऐसे ही कपड़ों में हूँ, चेंज करता हूँ, थोड़ा बाहर जाने लायक कपड़े पहनता हूँ एंड फिर देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। एक आधी चाय तो पी लेंगे यार कहीं बाहर जाके, देखते हैं। चलो मिलते हैं फिर जल्दी, दिखाता हूँ आपको बाहर का नज़ारा। तो भाई कपड़े मैंने कर लिए हैं चेंज, अब मैं जा रहा हूँ बाहर। ये मेरी मम्मी है, घर पे हम बोर हो रहे हैं, कुछ करने को है नहीं, अब मैं जा रहा हूँ बाहर। मेरा दोस्त आ रहा है मुझे लेने के लिए, मैं उसका कर रहा हूँ वेट और जैसी गाड़ी आएगी फिर मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। चलो मिलते हैं फिर। भाई मास्क लगा लिया है मैंने, देख लो आप, फुल रेडी। हाँ मेरे भाई ने करा दिया लेट, वेट करते करते इतनी देर हो गई है। अब देखो भाई अभी आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अभी भी नीचे ही खड़े हैं, 20-25 मिनट हो गए हैं वेट करते करते। तो फाइनली मैं गाड़ी में आ चुका हूँ, ये मेरा दोस्त है आमिर, इसी ने लेट कराया है, 15-20 मिनट से वेट कर रहा हूँ। अब देखते हैं हम कहाँ जाएंगे, पहले हॉस्पिटल चलना। अच्छा पहले नहीं, मेरे को लगा पहले हो गया, वहाँ पे जाना है कहीं दूसरा जो बता रहे हैं वहीं जाना है, उसी काम से जाना था। चलो भाई देखते हैं अभी कहाँ जाएंगे, अभी तो गाड़ी में ही बैठे हैं और फिर बताते हैं आपको, कोई दिखाते हैं। आज बारिश बहुत हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है, पर यार जब भी घर से निकलो अर्जेंट हो तो ही निकलो, हम दोनों तो यही कहेंगे, और मास्क ज़रूर लगा के निकलो। हाँ मास्क ज़रूरी है, मास्क बहुत ज़रूरी है। चलो मिलते हैं फिर। तो व्यू देखो यार कितना प्यारा व्यू है, दोनों साइड हरे भरा पेड़ ही पेड़, लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, और यहाँ देखो यार ऐसा नज़ारा। एक तो रोड पूरी गीली है ना, बस मज़ा ही आता है, दिल्ली में ऐसा नज़ारा बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्यों आमिर भाई? बिल्कुल सही बात है, दिल्ली में आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन जब बारिश होती है तो दिल्ली जितनी यहाँ पे गर्मी पड़ती है उतना ही मौसम अच्छा हो जाता है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में ग्रीनरी बहुत है, और जो इसके आसपास के घर होते हैं यार वो कितना सही एंजॉय करते होंगे ना। बहुत सही भाई, बहुत सही, मज़ा ही आता है। बस आपसे दिल्ली से अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए कोई, वही बात है ना, दिल्ली वाले कहीं और जाके रह नहीं सकते। हाँ मज़ा ही नहीं आएगा, अब मौसम इतना बढ़िया हो रहा है। आमिर चाय पिला दे भाई, मज़ा ही आ जाए भाई, चाय की तलाश में निकलेंगे अभी, बस पहले काम कर ले, जो काम के लिए आए हैं वो ज़रूरी है, वरना घर वाले और सुनाएंगे बातें, वरना फिर देखते हैं कहीं ना कहीं चाय तो पी के ही जाएंगे यार, बाहर आए हैं इतने दिनों बाद। चलो देखते हैं कहाँ मिलती है चाय, चाय की तलाश जारी। तो यार अपना काम हो चुका है, हम हॉस्पिटल में आए थे, सारा काम हो गया हमारा, हॉस्पिटल के अंदर कैमरा ऑन नहीं कर सकते थे, अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ। तो जो काम था हमारा जल्दी ख़त्म हो गया जितना सोचा था हमने, तो अब निकलते हैं यहाँ से। अब देखते हैं घर जाने से पहले कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि आमिर से इतने दिनों बाद मिला हूँ भाई, लॉकडाउन चल रहा है वैसे तो निकलते नहीं हैं, देखते हैं कहीं चाय पीने के लिए 5 मिनट रुक जाए। तो भाई फाइनली चाय मिल गई, चाय की दुकान, आखिर आमिर ने चाय ढूंढ दी भाई, बंदा बढ़िया है, आखिरी में बोला था बंदे ने जाने से पहले चाय पिलाएगा और ढूंढ दी चाय की दुकान, छोटी सी दुकान है, बढ़िया मजा आएगा, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, चाय रखी हो, चाय बनवाते हैं और मौसम का मजा लेते हैं बाहर उतर के। चलो 10 मिनट रुक के फिर चलते हैं आराम से। चलो भाई देखते हैं चाय। भाई कड़क बोलिए चाय एकदम, लॉकडाउन में बड़ा मुश्किल है चाय के ढूंढना, चाय की दुकान। चाय
चाय तो हमने ले ली है। सॉरी मुझे मास्क उतारना पड़ रहा है क्योंकि उसके साथ तो मैं चाय पी नहीं सकता। बहुत ही बढ़िया चाय है भाई। ये एक अंकल है बाबा जी, यहाँ पे इलायची वगैरह डाल के इतनी बढ़िया चाय बनाई है इन्होंने, इतनी बढ़िया यार क्या बताऊँ, बस मज़ा आ गया। बस अब जल्दी से चाय पी के घर निकलते हैं क्योंकि घर वाले वरना सुनाएंगे बहुत, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है यार, कोई मस्ती तो बात है नहीं। चलो भाई चलते हैं, बहुत बढ़िया मज़ा आया। अंकल चाय बहुत बढ़िया थी सच में। काम तो अभी थोड़ा कम चल रहा होगा आपका? बिल्कुल नहीं, काम का कोई भी नहीं आ रहा अभी, रोड पर कोई नहीं घूमता, बस गाड़ी घोड़ा वाले आ गए तो आ गए। तो कितने से कितने बजे तक खोलते हो आप? बस 8 बजे से लेके 6 बजे तक। अच्छा चलो अंकल, ध्यान रखो आप भी अपना, क्या कर सकते हैं, बीमारी ऐसी है पर करना पड़ रहा है। पर चाय बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया सच में, इतने दिनों बाद पी लिया। अपने खाने भर के 10 रुपया कमा लिया करो। सबसे अच्छी बात यह है कि अंकल ने लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं उठाया। हाँ। कि 10 की चाय 30 ये तो बात है, जो लोगों ने लूट मचा रखी है लॉकडाउन में, वो जो है ना सबको देखते हैं। जी जी सही बात है। अब तक हम कब राजा हो गए हो तो 85 से बैठे, हमारे सामने 60 दुकानें 62 दुकानें हैं, जाके देख लो सब बंद पड़ी हैं। हाँ जी चलो अंकल जी, शुक्रिया। चलो अंकल, तो गाइस चाय हमने पी ली है, अंकल से बात भी कर ली है। अंकल एक तो होते ना यार, इतने गरीब होने के बाद भी इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं हम लोगों की लाइफ में, छोटी भी होती हैं बहुत जगह पे, पर हम सोचते हैं यार नहीं, हम गिव अप कर देते हैं। हमें इन जैसे लोगों से सीखना चाहिए कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, किसी के खाने के लिए रोटी भी नहीं होती है घर पे। स्टिल अंकल कह रहे थे कि वो सुबह 10 बजे आते हैं, अपने रूटीन से दुकान खोलते हैं और 6 बजे बंद करते हैं। हमें भी पता है यार इस टाइम पे कितने लोग आ जाते हैं, या तो ऑटो ड्राइवर आ जाते होंगे या जो एसेंशियल सर्विस की खाना वगैरह डिलीवर कर रहे हैं वही आ जाते होंगे। आपको आपके आसपास जितने भी जो आपको लगता है जिनको ज़रूरत है आप उनकी हेल्प करें, और छोटे छोटे जो स्टॉल्स होते हैं इनसे सामान खरीदें, ना कि आप एक ब्रांड से कुछ ऑर्डर करें। आप आसपास से, जैसे अंकल की चाय की दुकान थी तो अब हमने उनसे चाय खरीदी, हमारे ऐसे ही कुछ अगर दिन में 5-10 लोग आ जाएं अंकल से चाय पी लें तो इनका भी घर का गुजारा चल जाएगा। तो भाई सुनने में आया कि कौन क्या नाम है उस साइक्लोन का? यार नाम बड़ा अजीब सा, बोला भी नहीं जा रहा था उससे, अभी मेरे को याद था। तो सुनने में आया कि वो साइक्लोन जो है वो दिल्ली की तरफ, सुनने में आया कि ऐसे रूमर्स हैं कि दिल्ली की तरफ वो आने वाला, हिट करने वाला है दिल्ली को, लेकिन हम यही प्रे करेंगे कि दिल्ली में ना आए। आप लोगों को अगर नाम पता है तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कि मुझे नहीं पता क्या नाम है, मैं एक बार वैसे सर्च करके देखूंगा। जो भी यार दिल्ली में रहते हैं प्लीज़ बी सेफ। देखो यार गाइस घर पहुंचने वाले हैं, और ये है आपकी मालवीय नगर मार्केट। ये सब कुछ खुला हुआ है बट कोई भी नहीं है यार। देखो मार्केट पूरी ओपन है मार्केट। और यहाँ देखो यहाँ सब कुछ बंद है। भाई मोमोज और यहाँ पे लगाता था शॉर्मा, और यहाँ लगाता था भाई ये जो दिख रही है आपको, यहाँ लगता था मोमोज की एक स्टॉल, हाँ प्रेम मोमोज। अगर यहाँ आओ ना तो खाना जरूर यार, बहुत बहुत बढ़िया बनाता है वो। तो हमें ऐसा सन्नाटा सा हो गया यहाँ पे, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी एक टाइम पे, ऐसा होता था वैसे गाड़ी कैसे ले आओ, बस सोचना पड़ता था कि रात होगी थोड़ी बहुत शॉप्स बंद होंगी तब गाड़ी लेके आएंगे यहाँ पे। तो भाई टाइम आ गया है जाने का, मास्क मैंने नीचे किया है क्योंकि आमिर से मिलना है भाई, और गाड़ी में बैठे थे तो उतना कुछ है नहीं, बट ठीक है अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। तो हम घूम आए हैं, काम भी कर लिया अपना, चाय भी पी ली, अब आमिर भाई को बाय बोलने का टाइम आ गया है। चलो भाई आमिर बहुत अच्छा लगा भाई मिलके, दोबारा मिलेंगे फिर कुछ होता है तो। भाई के चैनल को सपोर्ट जरूर करना, अरे अरे चाहे कुछ भी हो जाए। भाई बहुत बड़ा ट्रैवलर है, झूठ बोल रहा है, इतनी जगह पे घूम के आया है, और भाई का टास्क यही रहता है हमेशा टारगेट की ऐसी जगह दिखाऊं जो कि अनएक्सप्लोर्ड होती है। तो कोशिश करूंगा भाई ऐसी कि भाई के साथ जाने के लिए कि जाऊं ऐसी जगह पे जहां पे एक डुअल कॉम्बो दिखाऊं आपको, बट वही है पहले तो भाई यही प्रे करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और बहुत जल्दी हम साथ में ट्रैवल करने वाले हैं। जरूर जरूर, क्योंकि हम
उसमें काफी मजा आने वाला है। जरूर भाई, बहुत जल्दी जैसे ही लॉकडाउन उठेगा हम देखते हैं कोई ऐसी, लेकिन आपको एक ऐसी जगह दिखाएंगे जो ऐसा नहीं है कि बहुत नॉर्मल शिमला मनाली ऐसा ऐसा नहीं होगा, बहुत हटके जगह, कुछ हटके ऐसा कुछ जो आपने सोचा नहीं होगा या फिर लोग गए होंगे बट बहुत कम अनएक्सप्लोर्ड होगी, उसको अपने तरीके से दिखाएंगे आपके पास। एग्जैक्टली। तो गाइस प्लीज सपोर्ट मुझे भी और आमिर को भी, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप करोगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम नेक्स्ट वीडियो दिखा पाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू गाइस, कीप लविंग, बाय बाय।